हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक बीपीओ गाइड यूट्यूब चैनल यानी बैचिंग प्लान ऑपरेटिंग गाइड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बैचिंग प्लान से जुड़ी हुई एक ऐसी इरर जो हर एक बैचिंग प्लान में आपको देखने को मिलता है। तो इस इरर का कुछ हम सॉल्यूशन बताएंगे, कुछ आपको टिप्स देंगे। इस टिप्स की मदद से जो है आप बैचिंग प्लान में होने वाली घंटों का जो डिले होता है कंक्रीट लोडिंग करते हुए, उस डिले को आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं और कम से कम समय जो है वेस्ट कर सकते हैं। कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंक्रीट आप निकालने का कोशिश कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू इस वीडियो में देखें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करके जाना, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का भी आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। हर एक बैचिंग प्लान में फ्रेंड आपको देखने को मिलता है टॉलरेंस। जी हाँ फ्रेंड, हम बात कर रहे थे टॉलरेंस के बारे में। टॉलरेंस जो है हर एक बैचिंग प्लान में आता है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं, ये कंक्रीट लोडिंग करते हुए जो है हमें देखने को मिलता है। तो इसका जो है आज मैं आपको बताने वाला हूँ सॉल्यूशन, ऐसा क्या करें जिससे कि टॉलरेंस कम से कम आए। तो उसके लिए फ्रेंड सबसे पहले तो कुछ सेटिंग्स होती है हर एक बैचिंग प्लान में, वो आपको जाननी है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टॉलरेंस का ये सेटिंग है। पहले हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में सेटिंग में जाएंगे या टॉलरेंस को हम बारीकी से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड हम यहाँ पे सेटिंग्स में क्लिक करेंगे। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर कई सारी सेटिंग्स दिख रही होगी, इनमें से मुझे ऑपरेटर पैरामीटर पे क्लिक करनी है। चलिए यहाँ पर हम ऑपरेटर पैरामीटर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको नीचे दिख रही होगी मॉइस्चर, टॉलरेंस और फ्लाइट वेट की सेटिंग। ये जो सेटिंग्स है फ्रेंड, इस बैचिंग प्लान में प्रॉपर वर्क कर रही है, लेकिन फिर भी किसी एक गेट में, लगभग हर बैच में टॉलरेंस आ जाती है, इससे कंक्रीट डिले होती है। तो आज हम आपको बताएंगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको बता दें फ्रेंड, टॉलरेंस आने का एक रीज़न ये होता है कि जो आप रेसिपी क्रिएट करते हैं, अगर पर बीन में जितनी वैल्यू होना चाहिए मिनिमम, उससे अगर बहुत कम वैल्यू आप ऐड करते हैं, यानी लो वैल्यू अगर आप ऐड करते हैं, उससे भी जो है टॉलरेंस आती है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं ये टिप्स। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये फोर बीन। ये जो आप फोर बीन देख रहे हैं फ्रेंड, इस फोर बीन में यहाँ पर आपको पता ही होगा कि हर गेट में पैनामेटिक सिलेंडर लगी होती है। हम जो सेटिंग आपको बताने जा रहे हैं, ये वाले टिप्स अगर फॉलो करेंगे, कितना भी लो वैल्यू आप ऐड करेंगे, टॉलरेंस नहीं आएगी। तो चलिए हम नज़दीक चलते हैं और आपको यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए इस गेट के पास में आपको दिख रही होगी जो एंगल है, वहाँ पर एक बोल्ट लगी हुई है। और ये वाली जो आप गियर देख रहे हैं, यहाँ पर भी एंगल है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का बोल्ट लगी हुई नहीं है। लेकिन इनका काम क्या होता है फ्रेंड, स्टॉप करना। स्टॉपर है ये, यानी जो लिमिट है पैनामेटिक सिलेंडर का ओपन होने का, उससे अधिक ये आगे पीछे ना हो, इनके लिए लगाया जाता है। तो ये जो एंगल है फ्रेंड, हमने यहाँ पर एक होल किए हैं और इसके बाद में यहाँ पर इस बोल्ट को हमने यहाँ पे फिट कर दिए हैं। अभी क्या होता है फ्रेंड, गेट जो है मैक्सिमम जितना ओपन हो रहा था, अभी उतना से कम ओपन होने लगा है। यानी गेट कम ओपन होता है, उससे क्या होता है कि मटेरियल जो है स्लोली चार्ज करता है। स्लोली चार्ज करने की वजह से सिस्टम को समय मिल जाता है काउंटिंग करने में, इसे टॉलरेंस नहीं आता है। आपको अभी वीडियो को कंटिन्यू देखना है, आगे हम आपको दिखाएँगे कि टॉलरेंस आती है या नहीं। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट को हम ओपन कर रहे हैं। देखिए अभी ये 50% ओपन हो रही है। तो इस तरह से आप फ्रेंड, अगर आप न्यू कॉमर्स हैं, आपको अगर नहीं पता था, तो ये वाले टिप्स को आप फॉलो करके, इस तरह का एंगल में बोल्ट लगा करके, आप जो गेट को कम ओपन करके टॉलरेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके बैचिंग प्लांट में मैक्सिमम वैल्यू आप ऐड करते हैं, तो फिर तो आपको इस तरह का एंगल में बोल्ट डालने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैक्सिमम लगभग सभी बैचिंग प्लांट में आपको इस तरह का एंगल मिल जाएगा, जिसका काम यही होता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं बैच करते हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉलरेंस आती है या नहीं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है। यहाँ पर देख सकते हैं फास्ट बीन से एमसेंट चार्ज कर रही है। और आपको हम दिखाएंगे अभी टॉलरेंस आपको देखनी है कि आती है या नहीं। उनके लिए आपको 12 mm यानी बी नंबर 3
देखिए यहाँ पे अभी चार्ज कर रही है बिल नंबर 3 से 12 mm, देखिए टॉलरेंस नहीं आई। तो फ्रेंड इस तरह से जो है आप अगर बार बार टॉलरेंस से परेशान हो जाते हैं तो एंगल में आप बोल्ट फिट करके मैक्सिमम एंगल आती है लेकिन बोल्ट नहीं लगी होती है तो आप बोल्ट को वहाँ पे फिट कर सकते हैं। अगर बोल्ट लगी है तो फिर आपको सिर्फ बोल्ट को एडजस्ट करनी है, इससे जो है आपका गेट कम ओपन होगा और टॉलरेंस कंट्रोलिंग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अभी फिर से एक बैच आपको मैं दिखा रहा हूँ और यहाँ पे अभी 12 mm चार्ज करेगी इस बैच में भी, तब आपको देखनी है कि टॉलरेंस आती है या नहीं। फ्रेंड मैक्सिमम तक टॉलरेंस कंट्रोलिंग हो जाएगा, उसके बाद भी कभी कभार अगर टॉलरेंस आ जाती है तो जैसे कि आपको पता है वो जब वो रिसाइकल हो गई अलग बैच में वो उसके बाद मैनेज हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी 12 mm चार्ज किया लेकिन टॉलरेंस नहीं आया।